से क्या कहेंगे, ये भी नहीं जानते। सब कहते हैं मुश्किल है हमें समझना, पर नामुमकिन तो नहीं। थोड़े बेसब्रे ही सही, बस अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं। लाइफ को O2, CO2, अल्फा बीटा गामा नहीं, बल्कि इंस्टा, फेसबुक, स्नैपचैट और ट्विटर जैसा इंटरेस्टिंग मांगता है। दोस्तों के साथ रूठना, मनाना, चैटिंग और आउटिंग से छोटी छोटी हैप्पीनेस जिंदगी भर चाहते हैं। सेल्फी के फिल्टर को नो फिल्टर का टैग देना चाहते हैं। इजहार हो, इकरार हो या फिर इनकार, जो भी हो बस एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। सपनों को बड़ा करने के लिए देर तक सोना चाहते हैं। हर दिन सुबह हंस कर उठना चाहते हैं। गिरना संभालना, संभल कर गिरना ही सही, पर थोड़ा चलना चाहते हैं। दुनिया घूम ले पर वापस घर आकर माँ के हाथ का खाना खाना चाहते हैं। कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, पर अपनों के लिए हमेशा बच्चे ही बने रहना चाहते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, IAS के अलावा भी पेंटर, डांसर, राइटर और मिनिस्टर बनना चाहते हैं। जिंदगी की रेस में सल्लू, रणवीर, आलिया, दीपिका को रिप्लेस करना चाहते हैं। गंदगी ना फैलाकर, पानी बचाकर, बस एक पेड़ लगाकर नेचर को, आने वाली पीढ़ी को गिफ्ट करना चाहते हैं। टपरी हो या कैंटीन, 10 मिनट में कॉलेज वापस भाग कर आना चाहते हैं। जो असाइनमेंट की डेट, उसे मैम से रिक्वेस्ट करके, मैम प्लीज करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। अरे भाई बढ़ गई। पर कभी कभी पिंजरे में कैद पंछी के जैसे स्टीरियोटाइप सोच को तोड़कर खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। हम जो हो, जैसे भी हो, हम हंसना चाहते हैं, हम रोना चाहते हैं, कोई छोटा हो या बड़ा, हम हर एक के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं। हम सबको दिल से खुश करना चाहते हैं, हम सबको दिल से खुश करना चाहते हैं। खुश करना चाहते हैं, जो खुद को नहीं समझ पाते वो खुश करना चाहते हैं। लाइफ को कैजुअल समझना चाहते हैं। सही गलत की पहचान नहीं है, बस अपने ही मन की करते हैं। अपनी कमियों को सबसे छिपाते हैं। गलतियों पर फिर वही गलत कदम उठाते हैं, फिर ये अपने परिवार को दर्द दे जाते हैं। कितना भी समझाओ पर ये अपनी छोटी छोटी गलतियों से कुछ सीखना ही नहीं चाहते हैं। लाइफ में कोई गोल, कोई एम नहीं है, ये करना क्या चाहते हैं? दुख होता है ऐसे युवाओं को देख के जो अपनी जिम्मेदारियों को खुद उठा नहीं पाते। हाँ, नहीं समझ पाते हैं क्या सही है क्या गलत, पर हम खुद से सीखना चाहते हैं। माना अपनी गलतियों को सबसे छिपाते हैं, पर आप उस नजरिए से हमें समझ भी नहीं पाते। अरे बचपन से ही तो सुनते आए हैं कि ये बच्चे आपके कुछ नहीं कर पाते हैं। हम तो बस आपसे थोड़ा सा ही आसमां चाहते हैं। तरस आता है खुद की आंखों पर, रोकर अब कहती है कि बस अब और रोया नहीं जाता है। चिल्लाते हैं बेवजह, क्योंकि चार दीवारों में हम अपनी सांसों को थमा सा पाते हैं।
कितना भी कोशिश कर ले पर हर बार आप सबकी नजरों में खुद को अनएक्सेप्टेबल ही पाते हैं। जैसे रेशम का कीड़ा खुद को चारों ओर से रेशम से घेर लेता है ताकि वो रेशम दे, वैसे ही आज हमने डिप्रेशन, एक्सपेक्टेशन, कंपैरिजन, एडिक्शन, ड्रीम्स जैसी चीजों से अपने आप को चारों ओर से घेर लिया है जिसमें हम जकड़ते चले जा रहे हैं। आज अपनी परेशानियों को हम कुछ इस तरह से आप सबके सामने बयां करेंगे जहां हम खुद को कमजोर पाते हैं। आज मैं इस ड्रेस में अच्छी लगूंगी, बाल ऐसे अच्छे लग रहे हैं, आज कितना स्मार्ट लग रहा हूँ मैं। हाय, आज मैं कितनी क्यूट लग रही हूँ। अरे वाह, आज कोई स्पेशल डे है? नहीं, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। थैंक यू, मैं हमेशा कहती हूँ तू सुंदर लगती है, पर मानना कहाँ है। सच कहूँ तुझ पर हर रंग प्यारा लगता है। हाँ, क्योंकि तू हमारा प्यारा बच्चा है। अच्छा, ये प्यार और कॉम्प्लीमेंट बाद में दीजिएगा, मैं जा रहा हूँ माँ। मैं जा रही हूँ। अच्छी है, पर ये ड्रेस तुझ पे सूट नहीं करती। वो क्या है ना, थोड़ा सा तेरा वेट कम हो तब तू अच्छी लगती। अरे देखो इसे, ये कितना दुबला पतला है भाई, खाना खाता है या हवा। वैसे ना डार्क कलर वालों पे कलर सूट नहीं करता। तू कितनी छोटी सी है, छोटी। अरे तुम्हारा रंग अगर साफ होता तो तू अपना वेट कम कर लिया। कितनी मोटी है, नाटी है, क्या होगा तुम्हारा। ओए बंटू सुनना, ओए मोटू, तेरे को कौन पसंद करेगा, अभी तो तेरे रात में दिखती भी नहीं होगी। थोड़ा सुंदर लगा करो, तुझसे शादी कौन करेगा। तो कुछ लगाया कर, मेहनत किया करो, पतले हो जाओगे और कोई पसंद भी नहीं करेगा। क्या कपड़े पहनता है, और बाल तो देख अपने, तेरा तो कुछ नहीं हो सकता। तेरा तो कुछ नहीं हो सकता, तेरा तो कुछ नहीं हो सकता। ना ना, मेरा बच्चा कितना प्यारा दिखता है। नहीं नहीं, मैं प्यारा बहुत बहुत ही बुरी दिखती हूँ मैं, मुझे कोई नहीं चाहता, किसी को भी नहीं पसंद हूँ मैं, किसी को। ऐसा होना गलत है। गलत है उन सबकी सोच जो सिर्फ रंग रूप शरीर देखकर हमें परखते हैं, पर ये हम क्यों भूल जाते हैं कि सबके अपने रंग हैं, सबके अपने रूप। तो हम आपसे अलग नहीं हैं, बस आपकी सोच और देखने का नजरिया हमें अलग बनाता है। दोस्तों के बीच नाम बनाने के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। मेरे सारे दोस्त करते हैं तो मैं क्यों नहीं, सोचा ट्रेंड है, सब करते हैं तो मैं क्यों नहीं। 18 साल का, कुछ नया ट्राई करना। एक ने ब्रेकअप किया तो दूसरे ने प्रपोज और रिलेशनशिप में आ गया, और अब इससे ब्रेकअप नहीं हो रहा है। लाइफ में बहुत टेंशन थी, थोड़ा रिलैक्स मानता था। वैसे मेरी तो कोई मजबूरी नहीं थी ये सब करने की, पर दूसरों की मजबूरी को मैंने अपनी लत बना लिया। कोशिश करता हूँ कि एक घूट में सब पी जाऊं, पर अब ये नशा न जाने क्यों अब मुझे पी रहा है। अरे जिंदगी की रेस में ना बहुत टेंशन थी, पर इसको करने के बाद सब कुछ इजी हो जाता है। Ha ha ha.
हम कितने अकेले हैं, जहां नशा हमें अपनी गिरफ्त में लेता चला जा रहा है। सोचो क्या हम इतने कमजोर हैं। मोहित क्या डांस करता है यार। वाह यार मोहित क्या डांस करते हो। यू डिजर्व द जॉब ब्रो। थैंक यू बहुत प्यारी स्टेप्स की है। थैंक यू सो मच। मुझे तुम्हारा डांस बहुत पसंद है। थैंक यू हे हाय मोहित आई लव योर परफॉर्मेंस यार। थैंक यू। सुना मेरा बैग रख ले मैं वापस आके तुझसे लेती हूँ नहीं तो तू अपने घर ले जाना ठीक है मैं चलती बाय। अच्छा चल बाय। अच्छा सुनना बाय। समझो हम आप सबके बीच में खुद को अकेला सा पाते हैं क्योंकि हम जैसे हैं हम वैसे समाज में अपनाए नहीं जाते। आप चूड़ी चप्पल चूड़ी गरम मसाला पानी पूरी कितनी खूबसूरत सी होती है बचपन की यादें। हम जब भी इन यादों को याद करते हैं तो खो जाते हैं। मेरा मन तो कभी पढ़ाई में लगा ही नहीं। मुझे तो लगता है आप लोगों में से किसी का लगा ही नहीं होगा। लाइफ का ये टाइम बहुत ही अच्छा होता है जब हम फ्री होकर जीते हैं। फैमिली दोस्त और ये कॉलेज कितनी यादें हैं यहाँ से जो हमारी जिंदगी से जुड़ी होती है। मुझे ना ज्यादा बोलने का शौक नहीं है पर बहुत कुछ होता है हमारी लाइफ में जो हम कहना चाहते हैं अगर मौका मिले तो। सबके साथ रहना कितना खुशी देता है ये वही समझ सकता है जिसने उसे करीब से महसूस किया हो। मेरी भी एक कहानी है जो मैं इन सब की तरह आप सबको नहीं बता पाई। बचपन सबसे खूबसूरत होता है पर कोई उस बचपन को हमसे छीन ले तो मैं खुद को कभी पहचान ही नहीं पाई। हमेशा दूसरों से जो कंपेयर किया गया हम कभी अपने लिए जिए ही नहीं। अरे कॉलेज ही तो वो जगह होती है जहां हम जीना सीखते हैं पर कई बार लोग हमें समझ ही नहीं पाते। समझ नहीं पाता था कि किससे कहूं क्योंकि कैसे बताता मैं फिजिकली तो फिट हूं पर घर और अपनों की दूरी से मेंटली नहीं। हाँ सबके साथ रहना खुशी देता है पर यही सब हमें क्यों अकेला छोड़ जाते हैं जब हमें इनके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ना
जाने ऐसे कितने युवा हैं जो हर पल कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से अपने आप को मिटा रहे हैं, या जीते जी जिंदा लाश की तरह हैं। ये हम क्यों नहीं समझ पाते हैं कि कीमत जाने के बाद नहीं बल्कि जीते जी होती। आज आपके साथ जो है उन्हें जाने, उनके जाने से पहले, हाँ उनके जाने से पहले। कितने सपने, कितनी उम्मीदें लिए हर एक युवा यहाँ जीता है, पर सिर्फ और सिर्फ एक गलत राह उसकी जिंदगी को बदल देती है। इन सब चीजों को देखकर आपको लगता होगा कि आज युवा कितने कमजोर हैं। पर ऐसा नहीं है, हम लड़ेंगे तब तक जब तक हम इन सब चीजों से जीत नहीं जाते हैं। हाँ हाँ, हम लड़ेंगे जब तक उन सपनों को पूरा नहीं कर लेते जो हमारे अपनों को खुशी देते हैं। बस जरूरत है तो अपनों के साथ की, जो हमें इन बंधनों के कुकून से तोड़कर निकाल सके। चलो जीते हैं, लहरों से टकराकर। तो चलो जीते हैं, तकलीफों को अपनाकर। खुद को कमजोर क्यों बनाए? सीखा है जिनसे हमने जिंदगी को जीना, तो क्यों ना हम उन्हीं की तरह बन जाएं। शुक्रिया हमारे परिवार का, शुक्रिया हमारे टीचर्स का, शुक्रिया उन दोस्तों का जिन्होंने हमें जिंदगी जीने का एक नया पहलू दिया है। तो चलो इस बार हम आप और आप हम बन जाएं।